नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार सीएम नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुतला आवासीय विद्यालय, वहां के बच्चे जो है वो टॉप 10 में सबसे ज्यादा शामिल हुए हैं। जी हां, जमुई जिले की बात करें तो जमुई जिले में टॉप 10 में 14 बच्चे शामिल हुए हैं और वहीं सिमुतला आवासीय विद्यालय की बात करें तो वहां से टॉप 10 बच्चे जो है वो निकले हैं। तो देखिए, इस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सिमुतला आवासीय स्कूल एक बार फिर से टॉपरों की फैक्ट्री के लिस्ट में शामिल हो गया है। पिछले कई सालों की बात करें तो जैसे 2022 में सिमुतला से 5 बच्चे ही टॉप किए थे और वही 21 की बात करें 2021 के, तो उसमें 13 बच्चे जो है वो सिमुतला आवासीय स्कूल के बच्चे जो है वो टॉप में शामिल हुए थे। वही 2020 में 3 ही बच्चे शामिल हुए थे और इस बार जो है वो एक बार आंकड़ा सिमुतला आवासीय स्कूल का फिर से बढ़ा है और इस बार जो है वो 10 बच्चे जो है वहाँ से, सिर्फ उसी स्कूल से टॉप 10 में शामिल हुए हैं। उन बच्चों के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले सिमुतला आवासीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सिमुतला आवासीय विद्यालय से है, वो उनका नंबर जो है वो 483 आया है और चौथा रैंक उन्होंने हासिल किया है। वहीं इसी के साथ यह भी आपको बता दें तो सुधांशु शेखर जो कि सिमुतला आवासीय विद्यालय से ही हैं, उन्होंने 481 अंक लाया है और वो रैंक 5th में अपना स्थान जो है वो बनाया है। साफ तौर से और बच्चों के बारे में बात करें तो पंकुरी कुमारी के बारे में बात करें तो वो भी सिमुतला आवासीय विद्यालय से हैं जो कि 480 नंबर लाई हैं और छठा रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि सिमुतला आवासीय विद्यालय से कौन कौन से बच्चे जो है वो वहाँ से निकले हैं, कितना उनका नंबर आया है, कौन सा रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभम कुमार की, जिनका रैंक है चौथा है और वो 483 अंक लाए हैं। इसी के साथ बात करते हैं अब सुधांशु शेखर की, जो भी उसी स्कूल से हैं और 481 अंक लाए हैं उन्होंने और पांचवा रैंक हासिल किया है। साफ तौर पर अभी आपको बता दें पंखुड़ी कुमारी भी उसमें शामिल हैं जो कि 480 नंबर लाई हैं और छठा रैंक उन्होंने हासिल किया है। हिमांशु कुमार 480 नंबर उन्होंने लाया है, छठा रैंक उन्होंने हासिल किया है और साफ तौर से भव्या राज जो है वो 489 अंक उन्होंने लाया है और इस तरीके से सातवां रैंक जो है वो हासिल किया है। अन्य बच्चों के बारे में बात करें तो अर्पिता कुमारी जो कि 478 नंबर लाई हैं, वो आठवां रैंक उन्होंने हासिल किया है और प्रभात कुमार 478 आठवां रैंक उन्होंने भी हासिल किया और रोशन कुमार जो है 478 मार्क्स लाया है और आठवां रैंक जो है वो हासिल किया है। आस्था अश्विनी 476 दसवां रैंक और इसी के साथ सुषमा कुमारी जो कि 476 लाई है और दसवां रैंक जो है वो हासिल किया है। तो इस तरीके से देखिए सीएम नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी सिमुतला आवासीय विद्यालय, वहां के टॉप 10 में टॉप बच्चे ये सभी जो हैं वो शामिल हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।